किसी भी लोकतंत्र में इससे अधिक दुखद बात कुछ नहीं हो सकती कि जो सबकी लड़ाई लड़ता है, जो सबकी लड़ाई का हथियार बनता है, उसको खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आना पड़े। मैं इसे किसी भी अच्छे लोकतंत्र के लिए बहुत ही आपत्तिजनक मानता हूं। मैं अधिक नहीं कहना चाहता। जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ में गठित हो रहा है वो तो हम देख रहे हैं, विशेषकर बस्तर में जो गठित हुआ उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। थुरा में भी एक पत्रकार की हत्या हुई, बिलासपुर में भी हुई, थुरा में भी हुई, बिलासपुर में भी हुई। और दुख की बात यह है कि अभी तक पता नहीं चला कि किसने क्या किया। तो पूरा प्रसंग दुखद है, पूरा प्रसंग आपत्तिजनक है। मैं अधिक नहीं कहना चाहता। अपनी पार्टी की ओर से आया हूं और पूरी जवाबदारी के साथ ये कह रहा हूं कि मेरी सरकार बनेगी और हमारी सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, पत्रकारों के उत्साहवर्धन के लिए जो प्रपोज्ड बिल है उसको कानून बनाएगी और पूरे छत्तीसगढ़ में लागू करेगी। ये केवल एक आश्वासन नहीं, एक घोषणा नहीं, मेरा संकल्प है। अगर समाचार पत्र में लिखने मात्र से पत्रकार बनते हैं तो मैंने भी दैनिक भास्कर में एक रेगुलर कॉलम मैं 2 साल तक लिखता रहा। जनसत्ता एक अखबार, राष्ट्रीय अखबार, एटलांटा ओलंपिक में मैं उसका पत्रकार बनकर स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग भी की थी। तो कुछ हद तक का मेरा भी क्लेम है कि मैं अपने आप को पत्रकार कह सकूं। मैं आपको कीड़ा समझता हूं और ये वक्त कोई भाषण देने का नहीं है। विशेषकर पत्रकारों को भाषण दो तो उसका उल्टा असर हो सकता है, इसलिए मैं भाषण नहीं देना चाहता। केवल आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस कानून को अक्षरशः छत्तीसगढ़ में लागू करेगी। धन्यवाद। एक छोटा सा निवेदन है मेरा। अभी आने वाला मानसून सत्र हो रहा है और आपकी पार्टी में कितने विधायक हैं कि उसके एज ए प्राइवेट बिल उसको मानसून सत्र में प्रस्तुत कर सकते हैं। ड्रॉप विधिक रूप में तैयार किया गया है। अगर आप निवेदन, अगर आप उसको रखवाएं तो निश्चित तौर पे कहीं बहुत आसानी होगी हम लोगों की इस लड़ाई में। देखिए, प्राइवेट मेंबर्स बिल के रूप में उसको मैं प्रस्तुत करवा दूंगा। पर जैसा आप जानते हैं, चर्चा है तो वो तभी आएगा जब लॉटरी में निकलेगा, क्योंकि बहुत से लोग प्राइवेट मेंबर्स बिल देते हैं और उसके बाद उसकी लॉटरी निकाली जाती है। तो चर्चा है तो आएगा कि नहीं, ये गारंटी तो मैं नहीं लेता। पर मेरे साथ के जो विधायक हैं उनमें से कोई ना कोई उसको पेश कर देगा। शंकर पांडे जी की ड्यूटी लगा दीजिए कि वो मेरे को वो भी दे दें, तो मैं उसको प्रस्तुत करवा दूंगा। जी 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 जी।